सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हम गाड़ी में बैठ के स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे हमारे साथ वही इब्रार भाई, अहमद भाई, वही इब्रार भाई। तो वही है ना, तो चेंज हो गया। मैंने कपड़े चेंज किए थे इब्रार भाई, मैं इब्रार भाई ने कपड़े मैं आया हूं शैंपू से। वालेकुम अस्सलाम जी, आज हम जा रहे हैं अल रहमान बिरयानी खाने खारादर रोड पे। तो काफ़ी मशहूर बिरयानी है कराची की, तो अब जाके आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है, क्या चीज़ है। तो बाकी आप अहमद भाई भी खा के ही बताएंगे, क्योंकि इस टाइम तो भुख ना जेड़ी है ना जान निकली पई है। हां जी अहमद भाई, फुल छेती आलू। छेती आलू का मतलब होता है जल्दी चलो, जल्दी चलो, जाने दो बस जाने दो। चलें ठीक है, फिर हम आपको वहाँ पर जाके मिलते हैं, तब तक के लिए। रहमान बिरयानी कराची की अल मशहूर, और टेस्ट नो डाउट बहुत मज़े का था, आलू वाली बिरयानी। तो अब हम देखते हैं कि बाकी सब का क्या रिव्यूज़ है। एक नंबर यार, ओवरऑल बिरयानी अच्छी थी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कि बोटी छोटी होनी चाहिए, बोटी का साइज बहुत बड़ा था। बाकी बिरयानी के मसाले आलू शालू जबरदस्त। अहमद भाई, सो गाइस ये था रिव्यू बिरयानी का, बाकी आगे जाके मिलते हैं इंशाल्लाह। जब हम बिरयानी खा रहे थे उसमें हमारा प्लान बना के यहाँ से किमाड़ी थोड़ा ही दूर है, तो हम किमाड़ी चलते हैं। तो हम सारे किमाड़ी आ गए, एक किमाड़ी का स्टेशन है, तो वो आगे बड़ी बोट्स खड़ी हैं, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु जी गाइस, आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम किमाड़ी की लोकेशन पे मौजूद हैं। तो आपको बड़े बड़े जहाज़ बहरी जहाज़ नज़र आ रहे होंगे, अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, बड़े जहाज़ों को और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जो है वो इस दफ़ा किश्ती में नहीं बैठेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है, सारी चीजें जिंदगी के साथ साथ है। आप ये देख सकते हैं कि कोई सेफ्टी नहीं है, कोई जैकेट नहीं है, बस जा रही है किश्ती और लोग जा रहे हैं अपनी जान को हथेली पे रख के। और मुझे जाओगे और अल्लाह पाक इनको खैर खैरियत से पहुंचाए, लेकिन हम ये रिस्क नहीं लेंगे। हम यहाँ से नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। वो सुबह का घर बनाया था वो जब कहती थे मेरा नाम, तुम तस्बीह में पढ़ते हो मोहब्बत की नमाजों को कजा। गाइस आप देख सकते हैं कि सामने एक कश्ती जो है छोटी, वो एक बड़ी कश्ती को लेके आ रही है। ये इसको कहते हैं टो बोट। मेन समंदर में आके बहरी जहाज बंद हो जाते हैं, उसको तो बाद में ये कश्ती जो है वो टो करके उसको जो अपना किनारे तक लेके आती है, ताकि उसको अनलोड कर सके। ये आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये आपके सामने वाइट कश्ती जो है ये नीली की है, उसके बैक पे जो ग्रीन है उसको कहते हैं पावर बोट कह लें आप, या टू बोट कह लें। वो ग्रीन बैरी जहाज पीछे बड़े समंदर में, तो
किमाड़ी से हम आए हैं लकी वन मॉल। ये हमारे साथ अहमद भाई। गाइस हम आए हैं किमाड़ी से। बोले ना यार, तो किमाड़ी से इधर आते हुए हमें हो गई है शाम, राज ट्रैफिक सी। आए हाय, आज पता लगा कराची आए हैं। जलील अंकल व्लॉग चल रहा है। अच्छा व्लॉग चल रहा है, बताओ तो सही। एकदम कैमरा यूं बाहर आता पता भी नहीं लगता। तो चले आप यहाँ पे कुछ चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, मज़े की चीज़ मिली, इंटरेस्टिंग चीज़ मिली तो आपको भी दिखाएंगे। बी पॉजिटिव। फाइनली होटल आ गए हैं, खाना मंगवा लिया। अब थक काफ़ी ज़्यादा गए हैं तो इसलिए अब खाना खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। आज का दिन काफ़ी लंबा था, तो सब्सक्राइब करने वालों का, लाइक करने वालों का, कमेंट करने वालों का बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक ये सारा कुछ नहीं किया वो काइंडली कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है और आपको सब कुछ दिखाने में, तो मेहरबानी क्या करें, सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। इंशाल्लाह एक दो दिन और हैं कराची में, फिर उसके बाद रवानगी की वापसी, वो भी आपको दिखाएंगे, लाहौर तक का सफ़र भी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।